अब बताओ मुझे सारी कहानी शराफत से, मगर सच सच। क्या सब तो पता है तुम्हें? ज्यादा एक्टिंग नहीं करना, चांटा लगाऊंगी तेरे मुंह पे। इतना तो मुझे पता है कि तू उसके कमरे में गई थी दूध का ग्लास लेकर और बहाना बनाकर। अब आगे की कहानी फटाफट बता, बोल। हाँ मैं गई थी उसके कमरे में, नहीं सुने उसने मेरी बात, जबरदस्ती की मैंने, वो सब दिखाया जो मैं चाहती थी कि लोग देखें, इसी था काफी। अब देखते हैं खानदान सैफी के अताब से कैसे बचता है। और वो लाला रुख, वो समझ रही थी कि वो अपने हुस्न के जाल में सैफी को सारी उम्र फंसाए रखेगी। सैफी भाई को कैद में ना सही, लेकिन खुद तो इसी कैद में फंस गई है, और उसका मकरूर भाई मेरी कैद में। देखो तुम जिस चक्कर में हो ना, वो पूरा नहीं होगा। तुमने ये जो इतनी बड़ी बेवकूफी कर दी, उसके बाद खाक शादी करेगा वो तुमसे? कैसे नहीं करेगा, और कोई ऑप्शन है क्या उसके पास? भाभी इस घर में उसी सूरत वापस आएंगी जब मैं ब्याहकर सिकंदर बुला जाऊंगी। अलबत्ता तुम जिस चक्करों में हो ना, भूल जाओ। कौन से चक्कर? वही सैफी भाई के तलाक और सबूही को इस घर में लाने का ख्वाब। अरे तुम तो बिल्कुल ही पागल हो गई हो, तलाल जैसे आदमी की बीवी बनने के ख्वाब देखने के बजाय तुम हारून से शादी करके इस घर पे राज करो, समझ आई है तुम्हें? जिस बात का मुझे डर था वही हुआ ना, इसीलिए मैं तुम्हें सिकंदर मिला नहीं भेज रही थी। अम्मा दरअसल मैं, हाँ हाँ, जैसे तुम मुझसे छुपा लेती, जैसे मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ क्या? अरे देखा तुमने कितनी बड़ी बेवकूफी की है इसने, जरा देखो तो, मेरी तो ऐसे ही रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। तो मैं क्या करती, सब कुछ इतना अचानक हो गया। आप मेरी बात सुनिए, आप सारी कहानी ना आपस सुन लीजिए। अरे बैठो इधर, तुम किधर जा रही हो? हाँ कारनामे तुम करती फिरो और समझते मैं और साइमा फिरे? जरा सा तो सब्र कर लेती, सैफी को तो जाने देती घर से अगर वो सुन लेता तो। ये तो अच्छा हुआ कि वो उसे भी साथ ले गया। वो चला गया क्या? हाँ चला गया है, और उसे अब मैके ही छोड़कर आएगा। माँ अब क्या होगा? होना क्या है, अब लाला रुख इस घर में उसी सूरत में आएगी जब तुम सिकंदर विला बहू बनकर जाओगी। और यही होकर रहेगा, करे कोई और भरे कोई। माँ मैं हर हाल में तलाल से ही शादी करूंगी, उसके अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। हारून, देख रही हैं आप इसको? इसीलिए लाली को मैंने कहा था कि वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, या मुझे साथ आने दे दी, इंसल्ट करवा दी दो टके के खानदान से। उसका शौहर भी तो कानों का कच्चा है ना, अपनी माँ और बहनों की सुनता है और किसी की सुनता ही नहीं है। शौहर, शौहर का मतलब भी जानता है वो, औरत की छत होता है शौहर, उसकी इज्जत की हिफाजत करने वाला, ना कि उसे पैरों की जूती समझने वाला, उसे बात बात पर जलील करने वाला। ऐसे शख्स को शौहर नहीं कहते, जाबिर हाकिम कहते। देखो खुर्रम, तुम लाली के सामने ऐसी कोई बात मत करना, उसे दुख होगा। उसकी सांस तो पहले ही बहुत भरी हुई है जब से हमने मोहित के रिश्ते से इनकार किया है, और वो तो अपनी माँ और बहनों की ही सुनता है, आखिरी कील भी उन्होंने ठोक दी। बस अम्मी, लाली को अब वहां रहने की कोई जरूरत नहीं है, जहां उसकी इज्जत नहीं है, उसकी इज्जत की हिफाजत नहीं है, लाली यहीं रहेगी,
जब तक मामला सुलझ नहीं जाते। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता ये मामला कैसे सुलझेगा। अल्लाह खैर करे बस। अब इंसान का अख्तियार नहीं होता तो फैसला वक्त पर छोड़ देना चाहिए। अच्छे वक्त के लिए इंतजार और सब्र दोनों जरूरी है। क्या हुआ खैरियत? क्या हुआ खैरियत है ना? डर गई नींद में? दादा एक अजीब सा ख्वाब देखा है मैंने। लाली को परेशान देखा है। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। लाहौल पढ़ लो। इसीलिए मैं कहती हूँ जागने के बाद दोबारा नहीं सोते दिन चढ़े तक। बुरे बुरे ख्याल आते हैं। ख्याल नहीं था दादू। उठो हाथ मुंह धो लो। रात भर जागती हो दिन चढ़े तक सोती रहती हो फिर यही होगा ना। चलो उठो नाश्ता करो। दादी मुझे कुछ अजीब सी घबराहट हो रही है। मेरा मतलब है कि लाली को कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? अब कोई प्रॉब्लम वगैरह वो ठीक होगी ना? हाय हाय खुदा ना करे। ऐसे नहीं सोचते ये शैतानी ख्यालात हैं। तुम जाओ जल्दी से मुंह हाथ धो लो नाश्ता कर लो फिर फोन कर लेना तसल्ली हो जाएगी। हाँ दादू मैंने सोचा मैं रात को उसको कॉल कर लूं लेकिन फिर मैंने सोचा उसके घर में मेहमान है वो थकी हुई होगी कहाँ बात कर पाएगी मुझसे। मैंने कहा ना नाश्ता कर लो फिर फोन कर लेना और रफिया से मेरी भी बात कराना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या वो मेरा बच्चा इतना गुमसुम क्यों है? अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। अरे गुमसुम नहीं है डरी हुई है। कोई बुरा ख्वाब देख लिया? मैंने हजार दफा कहा है दिन चढ़े मत सोया करो मगर सुनती कहाँ है ये मेरी? मैं कब दिन चढ़े सोती हूँ दादी? आज आंख देर से खुली है मेरी। अरे अम्मी खैर है मत दादा करे मेरी चिड़िया को। और तुम्हारे इसी लाड ने बिगाड़ा है इसे। तुम बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? लग रहा है तुम कुछ परेशान हो। रात भी तुम काफी बेचैन रहे हो। तुम्हारे कमरे की लाइट जल रही थी सारी रात। तबीयत कुछ सही नहीं है अम्मी। हालांकि मैंने पिल्स भी खाई थी फिर भी नींद न जाने क्यों नहीं आई। ये कोई अच्छी अलामत नहीं है पापा। आप अभी मेरे साथ डॉक्टर के पास जाएंगे। मगर बेटा मैं ठीक हूँ। कोई अगर मगर नहीं हम अभी चल रहे हैं। रोशाने बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। लापरवाही करने की कोई जरूरत नहीं है। चेकअप करवाओ अपना ठीक से। साबरा आप पापा और मेरी नाश्ता बनाओ। मैं चेंज करके आ रही हूं फिर हम हॉस्पिटल जा रहे हैं।